ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए? जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और क्योंकि वो पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में रहते हैं, राशियों में रहते हैं, तो डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत रहता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है। तो यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा हमेशा से कहना है कि लग्न राशि वैदिक ज्योतिष का, भारतीय ज्योतिष का मूल है। ये लग्न राशि जो होती है वो किसी भी सिस्टम में नहीं थी पहले, अब तो बहुत लोग फॉलो करते हैं, वेस्टर्न में भी फॉलो करते हैं, लेकिन भारतीय ज्योतिष जो वैदिक ज्योतिष है वो लग्न आधारित है। इसलिए यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा भाग्य स्थान में रहेंगे 30 सितंबर को और 1 अक्टूबर शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि वो अष्टमेश हैं तो ये समय बॉसेस से कलह कलेश हो सकते हैं, बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और पिताजी से भी या घर के बड़ों से भी थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ये पिताजी की सेहत के लिए अच्छा योग नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा नवम से 12वें के स्वामी हैं और फिर वो नवम में बैठे हैं, तो पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा और उनसे संबंध पर भी ध्यान दीजिएगा। अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग है और गजकेसरी योग में गुरु का तो लेना देना होता ही, और वो आपके लग्नेश हैं तो यहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगी, कुछ कार्य टकते हैं, मदद मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा अवश्य, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है तो विषदोष बन गया, और ये चंद्रमा जो है वो ग्रहण की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी कारणवश ये समय अनिश्चितता भरा रहेगा, व्याकुलता भरा रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहेगा, एंग्जाइटी बहुत रहेगी, और बहुत संभावना है कि आप गलत निर्णय ले सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अचानक से किसी यात्रा पर नहीं निकलना और कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। किसी का भी रिप्लाई एकदम मत दीजिएगा, पहले सोचिएगा कि क्या बोलना है, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, और फिर उसके अनुसार अपने कार्यों पर या अपने वाणी पर ध्यान दीजिएगा या शब्दों का उपयोग कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। दशमांश कुंडली कार्यक्षेत्र में कन्फ्यूजन हो सकती है, बॉसेस के साथ बहस के बहुत योग है, जैसे मैंने कहा। बिजनेस ठीक है, बिजनेस में इतना कुछ बुरा नहीं दिख रहा, ठीक है, पैसा आएगा। लव लाइफ एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि या तो ओवर एक्साइटमेंट होता है या फिर एकदम डिप्रेशन। एक समानता आपको लानी पड़ेगी अपने स्वभाव में। वैवाहिक जीवन अकेलेपन का एहसास रहेगा। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन गुस्से से बचिएगा, क्योंकि गुस्से के कारण जो बने बनाए काम है वो बिगड़ सकते हैं आपके। सेहत गले के रोग और लोअर बॉडी में दर्द। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है, बिजनेस वालों को तो यहाँ पर लाभ हो सकता है। 1 अक्टूबर शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में यानी कि कन्या में, और सॉरी आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि कन्या में, और 4 अक्टूबर सुबह के 5 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि अष्टमेश है तो जॉब चेंज का योग बहुत अच्छा बनाएंगे। लेकिन 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 यहाँ पर जिनकी दशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है और वो जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, उनके लिए तो जॉब चेंज हो जाएगी, लेकिन क्योंकि 10वें घर में बहुत कुछ हो रहा है, चंद्रमा सूर्य के साथ है तो अमावस्या दोष, चंद्रमा केतु के साथ है तो ग्रहण दोष, चंद्रमा बुध के साथ है तो कन्फ्यूजन, और बुध आपके बाधकेश भी हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, और फिर चंद्रमा अष्टमेश है, तो जिनका समय अच्छा नहीं है उनके लिए कार्यक्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। आप देखेंगे हफ्ते का ये भाग आपके करियर के लिए बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेगा। जिन्होंने जॉब चेंज करनी है उनके लिए अलग बात है, अदरवाइज सबके लिए बहुत कन्फ्यूजन, अनस्टेबिलिटी करियर में अपने या फिर के काम में, गलतियाँ, फोकस की कमी,
आर्ग्यूमेंट्स, कम्युनिकेशन गैप, ये सब बहुत रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जिनका बहुत ही बुरा समय है और कंपनी का भी बुरा समय है, अब देखिए महीने का अंत या फिर कहिए महीने की शुरुआत आ रही है, कभी कभी इस टाइम में लेऑफ्स भी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहेगा। बॉसेस के साथ बहुत बनाकर रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ बिगड़ी बात और कंपनी के हालात बुरे चल रहे हैं तो गाज आप पर गिर सकती है। थोड़ा केयरफुल, क्योंकि यहाँ से सारे ग्रह चौथे घर को देखेंगे और राहु ऑलरेडी हैं, तो ये इमोशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों पर ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट या सेंसिटिविटी दिखा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि शांत रहिएगा, संभावनाएं भी आती हैं, नए मौके भी आती हैं, शांत रहिएगा, अपने आप को शांत रखिएगा हर एरिया में। दशमांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में बहुत फोकस की आवश्यकता पड़ेगी। बिजनेस, ठीक है बिजनेस में कुछ इतना बुरा नहीं दिख रहा, लेकिन लालच से बचना है, अपना कॉन्शियस रखिएगा कि कोई ऑफर आता है, कोई नया एग्रीमेंट आता है तो वो कितना सही है, कितनी सत्यता है उसमें। लव लाइफ, ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन, कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आप दोनों का ही, तो अपने आसपास के लोगों से बच के रहिए, षड्यंत्र रच रहे हैं कुछ लोग। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है स्टूडेंट्स के लिए, कोई कुछ ज़्यादा बुरा नहीं दिख रहा, बस वही फोकस की प्रॉब्लम तो सबके साथ ही होगी इस टाइम पे, तो फोकस पर ध्यान दीजिएगा। सेहत का जहाँ तक बात है, लोअर बॉडी में दर्द, लोअर बैक में दर्द, कफ रोग, और जिनको हृदय संबंधित रोग है ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव, सर्वाष्टक में आपका सप्तम ही बली है, ये बताता है कि अपनी पब्लिक इमेज को लेकर भी ध्यान दीजिएगा, और मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हो सके तो इस टाइम में जितना आर्ग्यूमेंट्स बचा सकते हैं मैरिड लाइफ में बचाइएगा, बल्कि उससे को अवॉइड कीजिएगा। 4 अक्टूबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि शुक्र के साथ, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पे शुक्र के साथ है जो लाभेश ही, यानी कि 11वें घर के स्वामी भी हैं, और यही जो शुक्र हैं वो एक उपचय भाव के स्वामी भी हैं। तो ये जो हफ्ते के शुरुआती दो भाग है ना, इससे बहुत एकदम कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस आपको मिलेगा अपनी सोच में, अपने कामों में, धन में, सकारात्मकता में, बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा। उससे पहले का टाइम तो बहुत अनिश्चित था, तभी मैंने कहा ना कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस दिखेगा। 4 तारीख के बाद या हफ्ते के अंत की तरफ आपको बहुत शुभता दिखेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, और क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश और अष्टम और लाभ का यहाँ पे मिलन हो गया, अचानक से बड़ा धन, अचानक से रुका धन, और कुछ हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम है तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, कोई इच्छा की पूरी होगी, इच्छा की पूर्ति होगी, और ओवरऑल बहुत अच्छा या खुशनुमा सा माहौल बन जाएगा, यानी कि परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है, वहाँ पे बहुत प्रकार से आपको कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ अच्छा सुनने को, अच्छा करने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से वो पंचम को देख रहे हैं दोनों ग्रह, तो क्रिएटिविटी भी रहेगी और मेंटल स्टेबिलिटी भी रहेगी। नवांश कुंडली बताती है कि बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य का साथ मिलेगा, अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। दशमांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन वर्क स्ट्रेस तो रहेगा, लेकिन हैंडल कर लेंगे। बिजनेस, यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप जो काम अटकाए जा रहे थे ना, वो यहाँ पर आप पर भारी पड़ सकते हैं। लव लाइफ, लव लाइफ में ओवर थिंकिंग तंग करेगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैवाहिक जीवन, बदलाव आ रहे हैं आप में, आपके पार्टनर में, उन बदलावों को एक्सेप्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, कुछ कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे, एग्जाम है, अच्छा रहेगा। सेहत के अनुसार हार्मोनल प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज, जिनको भी है दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में अष्टम बली है, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।